हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सैलून चेयर। देखिए, आजकल बहुत सारी चेयर्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। जो चेयर मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ वो है एयर पंप चेयर। ये जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा चलती है, और इसमें क्या फैसिलिटीज हैं, इन्हें कैसे एडजस्ट करना है, ये सब कुछ मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे इस चेयर के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसी चेयर पे बैठी हूँ और इस चेयर की पूरी एडजस्टमेंट जो है मैं आपको करना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हमारे पास चेयर और इसको हमने किस तरह से एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहली बात होती है हाइट का। देखिए, सबसे पहले हेड हाइट की बात करते हैं। ये जो पोर्शन है ये सेपरेट हो जाने वाला पोर्शन है। आपको ये सिटिंग चेयर मिल रही है, साथ में आपको जैसे वो बड़े बड़े जो पहले चेयर्स होती थी उनकी जगह अब इनको रिप्लेस कर दिया गया है। काफी इजी है, काफी पोर्टेबल है। किस तरह से कि ये देखिए, ये जो है हेड के लिए, इस चेयर के पीछे आपको एक बटन दिया गया है, ये वाला। अगर आप इस बटन को प्रेस करते हो, इसके हेड को आप नीचे या ऊपर कर सकते हो। इसमें देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे होल्स हैं। यहाँ पे जहां जितना भी आपने प्रेस करना है आप उतना प्रेस कर सकते हो या ऊपर कर सकते हो। कस्टमर की हाइट के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहें तो आप इसे निकाल भी सकते हो, जो कि आपकी हेयर स्टाइलिंग के लिए, रिबॉन्डिंग के लिए, इन प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। यानी कि आप इसे फेशियल के लिए यूज कर सकते हो, हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज कर सकते हो। और इसको लगाना, जितना ईजी इसको निकालना है उतना ही इसी से अप्लाई करना भी है। आपने जस्ट बटन प्रेस करना है और इसको इसके अंदर डालना है। तो ये देखिए, ये लग गया है, यानी कि जो इसकी मैक्सिमम हाइट है वो इतनी रहेगी और आप इसे प्रेस करके इसके अंदर जो है वो डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, हेड को ऊपर नीचे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे निकाल दीजिए। नेक्स्ट, ये 360 डिग्री रोटेटेबल है, इसको आप इजिली रोटेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। इजिली आप इसे देखिए कितनी इजिली ये रोटेट हो रही है और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नीचे से ये हिलेगी भी नहीं। देखिए, आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे स्टैंड है तो इसके हिलने के कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट कि इसकी हाइट की बात करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी हाइट इतनी है और आप नीचे देख लिया गया है एक हाइड्रोलिक पंप। देखिए, ये हाइड्रोलिक पंप है, इसमें एक लीवर दिया गया है। ये देखिए, ये है हमारे पास लीवर। इसकी लीवर की हेल्प से हम इसकी सिटिंग की एडजस्टमेंट को, हाइट को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसको कैसे करना है, आपने जस्ट अपने फुट की हेल्प से इस लीवर को प्रेस करना है। इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोलिक पंप है, इससे जो आपकी चेयर है ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो आपकी हाइट जो है चेयर की वो बढ़ गई। अगर आप इसने इसकी हाइट को कम करना है तो आप इसको जस्ट प्रेस करके रखें और ये अपने आप ही नीचे चली जाएगी। तो ये इसकी बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है हाइट की, जो है आप इसे इजीली एडजस्ट कर सकते हैं चेयर की हाइट को। नेक्स्ट, इसकी बैक सीट की हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक और हमारे पास हैंडल दिया गया है, इसपे अनलॉक एंड लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है हमें। अगर हम इसे पकड़कर ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं इस तरह से, तो इसकी जो ऊपर वाली बैक सीट है इसको हम पीछे की तरफ रोटेट कर सकते हैं जितना भी आप चाहें। यानी कि इतनी फ्लेक्सिबल है कि आप इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। जितना भी आप एडजस्टमेंट करना चाहें आप उतनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे सेट करना है तो यहाँ पे करके आप इसे नीचे की साइड प्रेस कर दीजिए तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। आपको इसे स्ट्रेट करना है, आप इसे फिर से अनलॉक कीजिए। अनलॉक करेंगे तो ये ऊपर की साइड चली जाएगी और इसे फिर से लॉक कर दीजिए तो ये एडजस्टमेंट भी है। यानी कि आपके कस्टमर की कंफर्टेबल का हर एक जो फंक्शन है इस चेयर में अवेलेबल है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको इस चेयर में एक यहाँ पे बहुत बड़ा स्क्रू दिया गया है, आप देख रहे हैं ये स्क्रू है यहाँ पे। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो ये जो इसका बैक है हम इसको भी यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ा के इसको लॉक कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो एडजस्टमेंट की जरूरत हमें बहुत कम पड़ती है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास हाइट के लिए दो ऑप्शन ऑलरेडी है। एक तो हमारा हाइड्रोलिक पंप का ऑप्शन है, एक हमारा जो फोरहेड का जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन जो ऊपर नीचे हो जाता है। तो इतनी हाइट की हमें जरूरत नहीं पड़ती है कि दो ही हमारे लिए सफिशियंट ऑप्शन है। तो ये जो चेयर है पूरी कंफर्टेबल है हर एक चीज के लिए, आपकी रिबॉन्डिंग के लिए, स्मूथिंग के लिए, और इसके अलावा फेशियल्स के लिए, मेकअप्स के लिए, या कोई भी
जो आप हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं सब चीज के लिए ये चेयर जो है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो ये हमारे पास हाइड्रोलिक चेयर जो कि बहुत ही ट्रेंड में है और बहुत ही चल रही है। तो फ्रेंड्स ये हमारी है पार्लर चेयर का रिव्यू। तो फ्रेंड आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज्यादा